अब दोस्तों इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी भी तरीके से अपने चैनल पर अपने वीडियो को अपलोड कर दोगे और आपकी वीडियो वायरल चली जाएगी। वायरल होने की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन उससे पहले आपकी वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे, क्योंकि कोई सिस्टम होता है, कोई तरीका होता है, तब जा करके आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे जिस तरीके से आप अपने वीडियो को अपलोड करते हो। अगर आप गलत तरीके से वीडियो अपलोड करोगे अपने चैनल पर, तो यूट्यूब का जो सिस्टम काम करता है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम काम करता है, वो आपकी वीडियो को समझ ही नहीं पाएगा और ना ही आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजेगा, ना यूट्यूब के ब्राउज फीचर्स में भेजेगा, ना सर्च में आपकी वीडियो जाएगी, यानी कि आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे। फिर आप चाहे जितने भी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहो, चाहे 100, 150, 1000 वीडियो आप अपलोड कर लो उसी तरीके से, या 1000 चैनल बना लो, नया बार बार चैनल बना लो और उसी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहोगे, तो आपकी वीडियो पर कभी भी व्यूज नहीं आएंगे और वायरल होने की बात तो बहुत दूर की है। अगर आपने चैनल पर सही तरीके से वीडियो अपलोड नहीं करोगे, तो आपकी वीडियो पर व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये 100% गारंटी है। आपको अपने चैनल पर अगर व्यूज लाना है, तो आपको ये समझे सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि हमें अपने चैनल पर व्यूज लाने के लिए हमें अपने चैनल पर वीडियो को कैसे अपलोड करना चाहिए। क्योंकि जितने भी सारे नए क्रिएटर हैं, वो बस क्या करते हैं, यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन किया, बस वहां से गए, अपलोड वीडियो पर क्लिक किया, उसके बाद वीडियो को अपलोड कर दिया और इसके बाद स्क्रॉल करते रहे 24 घंटा दिन भर लेकर के बैठे रहो, मेरे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा, मेरे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा, अरे मैंने तो टाइटल भी उसी तरीके से लगा लिया जैसे और लोगों ने लगाया, मैंने तो थंबनेल भी उसी तरीके से लगाया जैसे और लोगों ने लगाया, मैंने डिस्क्रिप्शन भी उसी तरीके से कॉपी करके लगा दिया जैसे और लोगों ने लगाया जिनकी वीडियो पर बहुत भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर आपका प्रोसेस, अपलोड करने वाला जो प्रोसेस है, अगर वो गलत रहेगा, तो कितना भी कुछ कर लीजिए, आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे और आपकी वीडियो वायरल भी नहीं जाएगी। सही तरीके से अगर वीडियो अपलोड करोगे, तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ भी आएंगे और आपकी वीडियो वायरल भी जा सकती है। तो आज की वीडियो में अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि आपको मैंने चैनल बनाना सिखा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है नया चैनल बनाना सीखना और उसमें 5 सेटिंग करना, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, वीडियो शूट कैसे करें, सारी चीज़ें मैंने बता दी। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि अपलोडिंग कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब वीडियो क्रिएट कर लिया, वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने के बाद आपको सबसे पहला काम करना अपलोडिंग। ठीक है, अपलोडिंग के लिए आप सिंपल वाला तरीका यूज कीजिए, ज्यादा तामझाम वाला नहीं, YouTube पे आइए। YouTube पे आने के बाद ये देखिए, ये भी फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो रहा है 23 घंटे पहले, ये भी फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो रहा है, यानी कि जैसे ही YouTube ओपन करो, माय फर्स्ट ब्लॉग वाला चैनल दिख ही जाएगा और माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो रहा है, यानी कि ये सब जितने लोग हैं, इनकी वीडियो को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो देखिए सेम तरीके से इन्होंने भी वीडियो बनाया, जैसे मैंने बताया था कि इस तरह से वीडियो शूट करना है और इस तरह से वीडियो को एडिट करना है। यहाँ पर देखिए इनका 23 घंटा पहले, एक दिन पहले 28,000 सब्सक्राइबर, 28,000 व्यूज आ चुके हैं। ठीक है, और देखिए पहले ही वीडियो डाले हैं और चैनल यहाँ पर है जो ये 15 जुलाई 2022, यानी कि एक महीना पुराना चैनल है, यानी कि नया ही चैनल है, पहली वीडियो है। तो इस तरह से चैनल जो है वीडियो वायरल हो रही है और YouTube के ओपन करते ही पहली वीडियो आ जाती है। तो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको अपलोड कैसे करना है। तो दोस्तों जो अपलोडिंग का प्रोसेस होता है वो 3 फेज में होता है, यानी कि 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है YouTube से वीडियो अपलोड करना, इसके बाद क्रोम से, फिर YT स्टूडियो से। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं देखिए YouTube के एप्लीकेशन में आ गया हूँ, या प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपलोड अ वीडियो पर जाकर के आपका जो वीडियो है वो ले लेना है और इसके बाद नेक्स्ट पर इसे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए टाइटल आया हुआ है, ऐड डिस्क्रिप्शन आया है, विजिबिलिटी, लोकेशन, ऐड अ प्लेलिस्ट। ठीक है, तो विजिबिलिटी पे आपको हमेशा अनलिस्टेड ही करना है, प्राइवेट नहीं करना है, और पब्लिक में आपको वीडियो अपलोड नहीं करना है, हमेशा आपको इसे अनलिस्टेड ही रहने देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है माई फर्स्ट ब्लॉग, आपका जो टाइटल होगा इस तरह से लिख देना है। अब यही वाला कॉपी करके सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर भी इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि जब वीडियो अपलोड हो रहा होगा ना, तो YouTube को ये पता चल जाएगा कि ये माई फर्स्ट ब्लॉग है। ठीक है, ये आपके चैनल का पहला वीडियो है। इतना कर दिया आपने, इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपके सामने आएगा सेलेक्ट अ ऑडियंस। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको यहां पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिला हुआ है, इट्स मेड फॉर किड्स, नो इट्स नॉट फॉर किड्स। ठीक है, इसका मतलब यह है, पहला वाला ऑप्शन का मतलब यह है कि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हो YouTube पे वो सिर्फ बच्चों के लिए, यानी कि 18 साल से कम के बच्चों के लिए, लेकिन आपकी वीडियो तो आप चाहते हो कि पूरी ऑडियंस देखे, सभी कोई देखे, तो यहां पर आपको दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए नीचे क्या लिखे, एज रिस्ट्रिक्शन एडवांस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में किसी किसी के ऑप्शन में ये वाला होगा,
किसी किसी के ऑप्शन में ये वाला सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है क्या लिखा है, यस रिस्ट्रिक्टेड माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18। यहाँ पर लिखा है कि आप अपनी वीडियो को 18 साल से कम वाले एज को नहीं दिखाना चाहते हो। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है कि नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो ओवर टू व्यूअर्स ओवर 18, यानी कि बोल रहा है कि मेरी वीडियो हर कोई देख सकता है, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना है। तो हमेशा आप अपनी वीडियो को इसी पे सेलेक्ट करके अपलोड कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आपकी जो वीडियो है दोस्तों वो देखिए यहाँ पर वो प्रिपेयरिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो प्रिपेयरिंग हो रहा है और आपकी वीडियो जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर सिंपल से आपको करना क्या है, अब सिंपल से आपको YouTube के क्रोम ब्राउजर में चलाना है। यहाँ पर देखिए चैनल एकदम पूरा फ्रेश है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको इस तरह से रिफ्रेश कर देना है, तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर दिखाने लगेगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये देखिए प्रोसेसिंग विल बिगिन शॉर्टली, ठीक है, अपलोडिंग 12%। तो जैसे ही आपकी वीडियो पूरे 100% अपलोड हो जा रही है, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा काम करना पड़ता है, ऐसे ही वीडियो को अपलोड नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं, वीडियो में कोई काम नहीं करते, इसके बाद थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, सोचते हैं कि बस मेरा सारा काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और उसको किए बगैर अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा कि आपकी वीडियो पर बस 3 से 4 व्यूज आएंगे और इसके बाद आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी वीडियो पर 52% मेरी जो वीडियो है वो अपलोड हो गई है, बस थोड़े ही देर में जो मेरी वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको और आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या आगे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं जैसे यहाँ पर इस तरह से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। अब यहाँ पर अपलोड जब तक हो रही है तब तक मैं आगे का और काम यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए शो मोर पे क्लिक करते हैं, शो मोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, जिसमें आपको टैग कैसे लगाना है आपको मैं वो बाद में बताऊंगा, ये चल के आपको मैं वाईटी स्टूडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या करना है वो चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए। तो यहाँ पर आपको वीडियो का लैंग्वेज, अगर आपका हिंदी नहीं है तो आपको वीडियो का लैंग्वेज आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करना है, कैप्शन सर्टिफिकेट नन करना है, और इसके बाद लाइसेंस में यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस करना है, ठीक है। और यहाँ पर पीपल एंड ब्लॉग्स करना है। यहाँ पर कई सारे लोग गलती करते हैं कि अपने ब्लॉग की कैटेगरी को वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम अपने ब्लॉग की कैटेगरी को किस कैटेगरी में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर पीपल एंड ब्लॉग्स वाले में ही आपको रखना है, यानी कि आपका जो वीडियो है ब्लॉग है लोगों के पास में जाएगा, समाज में जाएगा, कई सारे लोग देखेंगे, तो ये इसी कैटेगरी में आता है, पीपल एंड ब्लॉग वाली कैटेगरी में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब भी अपने ब्लॉग को आप फर्स्ट ब्लॉग को अपलोड कर रहे होंगे तो आपकी जो वीडियो है वो पीपल एंड ब्लॉग वाले ही कैटेगरी में जानी चाहिए, ठीक है। इतना सारा काम हो गया आपका, अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर रहा बात ये एंड स्क्रीन और आई कार्ड लगाने का, तो आप पहली वीडियो अपलोड कर रहे हो तो ना तो आपके पास में कोई और अनदर वीडियो है एंड स्क्रीन लगाने के लिए, और ना ही कार्ड में आपकी वीडियो को लगाने के लिए कोई और भी दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो आपकी ये पहली वीडियो है। अब आपने अपनी वीडियो को अपलोड कर लिया, अब यहाँ पर सब कुछ सारा सब कुछ हो गया, ठीक है, इतना सब कुछ आपने कर दिया। अब इसके बाद आपको आ जाना है बैक, बैक आने के बाद देखेंगे कि आपकी जो वीडियो है ये देखिए चेकिंग में चल रही है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो को अपलोड कर देते हैं, अपलोड हो जाता है लिस्टेड में, इसके बाद तुरंत ही वीडियो को पब्लिश कर देते हैं। कभी भी अपनी वीडियो को अपलोड होने के तुरंत बाद पब्लिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी चेकिंग चल रहा है, यानी कि आपकी वीडियो यूट्यूब चेक कर रहा है कि कौन सी ऑडियंस के पास हमें इस वीडियो को भेजना है। सही टारगेट ऑडियंस के पास वो यूट्यूब तभी भेजेगा जब आपकी वीडियो यूट्यूब को पूरे तरीके से समझ में आ जाएगी, यानी कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को जब आपकी वीडियो पूरे तरीके से समझ में आ जाएगी तब जाकर के आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे और आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी 11% मेरी वीडियो का चेकिंग चल रहा है, ठीक है, अभी ये वीडियो चेकिंग में चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट काम है, जो थर्ड वाला काम है, वो वाला हम काम कर लेते हैं वाईटी स्टूडियो। मैंने वाईटी स्टूडियो अपना यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में मैं अपने मेन वाले चैनल पर चला जाऊंगा जिससे मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इस वाले वीडियो में चला जाता हूँ, इस वाले चैनल पर मैं आ गया। अब आने के बाद देखिए मैंने 3 मिनट पहले इस वीडियो को अपलोड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा दिया रिस्ट्रिक्शन नन, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम देना रहता है, कुछ भी देना रहता है, तो यहाँ पर आ जाता है कि आपकी वीडियो कॉपीराइट क्लेम है। अब यहाँ पर आपको आगे का काम क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी वीडियो का थंबनेल लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर चलिए मैं थंबनेल लगा लेता हूँ। तो आपने जो थंबनेल लगाया हुआ है उसको क्लिक करके यहाँ पर कस्टम थंबनेल को यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो थंबनेल बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैंने जो थंबनेल बनाया हुआ है इसको यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद अब यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है वो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ। तो अब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी किया है दोस्तों। आप अपनी, मैंने जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने लगाया हुआ है, आप मेरी इसी वीडियो में से जाकर के इस डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को इस तरह से यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कट कर देता हूँ, ठीक है। ये जितने भी कीवर्ड है दोस्तों ये वायरल कीवर्ड है, ठीक है। ये वाली वीडियो मैं अपने वीडियो के अपना मैं कम्युनिटी पोस्ट में मैं अपनी इस वीडियो को लगा दूंगा। इस वीडियो को जाके ओपन करके देख लेना कैसी वीडियो बनी है, चेक कर लेना। और इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन से आप इस कीवर्ड को आप कॉपी करके अपने वीडियो में लगा देना, ठीक है। इस तरीके से आपको इसी तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब यहाँ पर आपको काम का क्या करना है, अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा वायरल करना है, लोगों के पास में ज़्यादा पहुँचाना है, तो यहाँ पर अपनी वीडियो में आपको लगाना है हैशटैग कीवर्ड लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से हैश दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने हैशटैग लिखा, यहाँ पर देखिए नीचे आपको बहुत सारे कीवर्ड आ गए, माई फर्स्ट ब्लॉग, माई फर्स्ट ब्लॉग, माई फर्स्ट ब्लॉग ऑन यूट्यूब, माई सेकेंड ब्लॉग, आपको इस तरीके से इस पर क्लिक करना है, फिर हैशटैग इस तरह से लगाना है। इसके बाद आपको इस तरह से हर कीवर्ड को आपको ले लेना है, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए माई, जैसे ही माई लिखोगे यहाँ पर देखिए आपके सामने माई फर्स्ट ब्लॉग आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, हैशटैग लगाना है, इसके बाद लिखना है हाउ। देखिए जैसे मैंने हाउ लिखा, हाउ टू वायरल माई फर्स्ट ब्लॉग, फिर इस तरह से नीचे आ जाना है, फिर आपको इस तरह से हैशटैग लगाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। सौरभ जोशी ब्लॉग्स, जिसको भी आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाम देना चाहते हो, उनकी ऑडियंस को अपने चैनल पे लाना चाहते हो, उनके चैनल का नाम यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप माई सेकेंड ब्लॉग हैशटैग लगा करके, फिर आप यहाँ पर माई फर्स्ट ब्लॉग 2022, फिर हैशटैग लगाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल कैसे करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर इस तरह से हैशटैग लगा करके, जैसे ही आप माई लिखोगे यहाँ पर माई, तो यहाँ पर आप माई फर्स्ट ब्लॉग से रिलेटेड सारे कीवर्ड यहाँ पर आ जाएंगे और आपको इन्हीं सब कीवर्ड को अपने वीडियो में लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को कर देना है सेव। अब यहाँ पर लास्ट काम बचा हुआ है दोस्तों अपनी वीडियो में कीवर्ड लगाने के लिए, ठीक है। अपनी वीडियो में लगाना है दोस्तों, आपको अपने वीडियो के टैग में आपको यहाँ पर कीवर्ड लगाना है, ठीक है। तो मैंने टैग भी अपनी वीडियो का यहाँ पर मैंने कॉपी करके रखा हुआ है दोस्तों। आपको यहाँ पर उस वीडियो का जो कीवर्ड है, इसी कीवर्ड से मैंने ये जो सारा कीवर्ड लगाया हुआ है ना, ये देखिए अपने फर्स्ट ब्लॉग का जो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने कीवर्ड ये सब लगाया हुआ है ना, इसी सारे कीवर्ड को आप अपने वीडियो के टैग में भी लगा सकते हो। तो मैंने सिंपल से यहाँ पर उसको कॉपी करके यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पर मैंने लगा के रखा हुआ है, मैं फटाक से लगा देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए माई फर्स्ट ब्लॉग, माई फर्स्ट ब्लॉग, मैंने इस तरह से एडिट कर करके कॉमा लगा लगा करके मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि मुझे जल्दी हो सके, आसानी हो सके। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आऊँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा डायरेक्ट गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद देखिए इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं अपने वीडियो के सो मोर पे क्लिक करता हूँ। सो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं ऐड टैग पे आया, टैग पे आने के बाद मैंने इस पर क्लिक करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए सारा टैग यहाँ पर लग गया। लगने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने इस वीडियो को कर दिया सेव, ठीक है। अब ये मेरी वीडियो पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से ये अपलोड हो चुकी। अब इसको मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद अभी भी देखिए आपको वीडियो को पब्लिक नहीं करना है। कई सारे लोग इतना करने के बाद अपनी वीडियो को पब्लिक कर देते हैं, लेकिन अभी भी देखिए आपकी जो वीडियो है वो प्रोसेसिंग में चल रही है, यानी कि आपकी वीडियो की अभी क्वालिटी प्रोसेसिंग में चल रही है। अगर आप इसी तरीके से वीडियो अपलोड कर दोगे ना तो आपकी वीडियो फटी फटी आएगी, कुछ क्लियर नहीं आएगा। तो जब तक आपकी वीडियो पूरी प्रोसेसिंग नहीं हो जाती है आपको अपनी वीडियो को पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने देने के बाद में जैसे ही आपकी वीडियो यहाँ पर पूरे तरीके से प्रोसेसिंग हो जाती है, आप अपनी वीडियो को इस तरह से जाइए, जाने के बाद में यहाँ पर अनलिस्टेड में आइए। मेरी वीडियो जो है पूरे तरीके से प्रोसेसिंग अभी हो चुकी है दोस्तों। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आप पब्लिक पे क्लिक कीजिए। पब्लिक पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव पर क्लिक कर दीजिए और आपकी ये जो वीडियो है ये पूरे तरीके से अब यूट्यूब पर आ चुकी है। अब इसको आप छोड़ दीजिए, आपको शेयर नहीं करना है और आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे क्योंकि आपने जो कीवर्ड लगाया है उसी से आपकी वीडियो पर धीरे धीरे व्यूज आएंगे और आपकी वीडियो वायरल भी जा सकती है। ये वाली वीडियो जो है दोस्तों मैंने अपने मेन चैनल में, अपने इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लगा दिया, जाके इस वीडियो को देखिए, चेक कर लीजिए और इसी वीडियो से आपको ये सारा कीवर्ड
मिल जाएगा। मैंने ये देखिए इस वीडियो में जो भी कीवर्ड लगाया हुआ है, ये वाला सारा कीवर्ड आप कॉपी करके आप भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टैग में लगा सकते हो, ठीक है। तो आप जाके इस वीडियो को चेक कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैसे फर्स्ट वीडियो को अपलोड किया जाता है अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।